So hey guys, what's up? Welcome back to OCM Center. ओके तो आज के वीडियो में बात करने वाले बिजनेसमैन वर्सेस एंटरप्रेन्योर। ये दोस्तों हमने ओसीएम के बहुत से चैप्टर पढ़े, उसके अंदर हमने एंटरप्रेन्योर को बिजनेस भी कहा है, जो एंटरप्रेन्योर से हमने बिजनेसमैन भी कहा है, ठीक है। बट एक्चुअल में देखने जाए रियलिटी में एक एंटरप्रेन्योर एक बिजनेसमैन दोनों अलग है। अब वो आज हम वीडियो में जानेंगे, डिटेल में केस स्टडी करेंगे कैसे ये दोनों अलग है, इन दोनों में अलग क्या है, क्या एंटरप्रेन्योर में कैसा क्या होता है, बिजनेसमैन ऐसा क्या होता है, तो इन दोनों को अपने में डिफरेंस लाता है। तो यहाँ पर मैंने टोटल 7 पॉइंट्स लिखे हुए, इस 7 पॉइंट्स आपको जरूर क्लियर हो जाएगा कि एक बिजनेसमैन एक एंटरप्रेन्योर के अंदर फर्क क्या होता है। तो स्टार्ट करें वीडियो के साथ। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा मीनिंग, सबसे बेसिक पॉइंट है, ऑलमोस्ट 50% आप यही समझ जाओगे कि मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन वो होता है जो पुराने आइडियाज को उठाकर बिजनेस करना शुरू कर देता है, ठीक है। एंड एंटरप्रेन्योर वो होता है जो किसी नए आइडिया के साथ मार्केट में उतरता है, ठीक है। मींस क्या, बिजनेसमैन वही जो पुराने बिजनेस, फॉर एग्जांपल कोई मेरे फ्रेंड ने कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ओके बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसमें वो 1-2 साल में थोड़ा रीच हो गया, मींस पैसे बढ़ने लगे, प्रॉफिट बढ़ने लगे, तो मैं सोचता चलो मैं भी प्रॉफिट स्टार्ट कर देता हूँ, मैं बिजनेस स्टार्ट कर देता हूँ। मींस क्या कि मैं बिजनेसमैन बन गया, लेकिन मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ, मैं मार्केट में कुछ नया लेकर आऊँ तो आज तक कभी नहीं आया, मैं एकदम इनिशिएटिव एकदम यूनिक स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं बन गया एंटरप्रेन्योर, ठीक है। आपको 50% यही समझ रहेगा। और आगे देखते हैं कि इसमें फर्क क्या रहता है इन दोनों में। मार्केट पोजिशन, मार्केट, यस, ठीक है। अब देखने तो वर्ल्ड मार्केट है, वर्ल्ड मार्केट, ग्लोबल मार्केट में तो दोनों बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर एक जगह मिलेंगे, लेकिन दोनों की जगह एक नहीं होती है। यस, दोनों जगह एक नहीं होती। बिजनेसमैन वो होता है जो मार्केट में जाता है, क्या बिजनेसमैन वो होता है जो मार्केट में आता है, और एंटरप्रेन्योर वो होता है जो खुद ही मार्केट क्रिएट करता है। यस, एंटरप्रेन्योर नॉर्मल इंसान नहीं होता है, एंटरप्रेन्योर वो तो खुद मार्केट क्रिएट करता है, और बिजनेसमैन वो होता है जो मार्केट में आता है। जब एंटरप्रेन्योर फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जिससे मोबाइल बनाया रहेगा, जो कम्युनिकेशन के मोबाइल फोन बनाया रहेगा, वो रहेगा एंटरप्रेन्योर। आज जितने भी कंपनी उसको देखिए मोबाइल फोन बनाए ना, वो सारे बिजनेसमैन बन गए, ठीक है। तो ये फर्क होता है एंटरप्रेन्योर में और एक बिजनेसमैन है। उसके बाद बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। देखो भाई, हम 11 से पढ़ते हुए आ रहे कि भाई बिजनेस है तो रिस्क है, बिजनेस है तो रिस्क है। अब हर बिजनेस में रिस्क होता है, तो अब इन दोनों में रिस्क रहेगा, इसमें ये पॉइंट क्यों आया। यस, रिस्क है, बट रिस्क अलग है। क्या अलग है? अब बिजनेसमैन मैंने बताया वो होता है जो ओल्ड बिजनेस आइडिया को उठा के खुद करता है बिजनेस आइडिया, लेकिन उसको ये चीज पता होती है उसको तकलीफ किधर आने वाली है। यस, अब फॉर मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि मेरे दोस्त ने कुछ एक्सरसाइज बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मुझे समझा रहेगा, मैंने उससे कम्युनिकेट किया रहेगा, मैंने उससे बात किया रहेगा कि उसके बिजनेस लाइफ में क्या रिस्क आया है, उसको क्या तकलीफ आई है, तो मैं उस रिस्क से बच के रहूंगा। मीन्स मुझे कम रिस्क होगा कंपेरेटिवली एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर तो खुद ही नया है, खुद ही मार्केट में अलग लेके आ रहा है, उसको थोड़ी पता है कि वो चीज चलने वाली है नहीं, चलने वाली है नहीं पता है, तो वहां पर रिस्क बढ़ जाता है। कभी कभी क्या होता है मार्केट में टिक जाता है, उसकी चीजें जो होती है अलग चीजें में जो यूनिक वो बना रहा है वो टिक जाती है, लेकिन कभी कभी नहीं टिकती है। ये सबसे बड़ा मेन आइडिया रहता है। मेथड एंड कंपटीशन, कंपटीशन की सेम बात है कि और बिजनेस जो रहता है, जो बिजनेस में रहते हैं उनको पता रहता है कि कंपटीशन क्या क्या है, और उनके पास ज्यादा कंपटीशन रहते हैं। बिकॉज कपड़े, फॉर एग्जाम्पल एक्सपर्ट, फॉर एग्जाम्पल कपड़े की दुकान की बात करूँ तो कपड़े की दुकान इसके पास उसके पास आपके रेसिडेंशियल एरिया में 5 से 10 तक शॉप्स मिल जाएंगे कपड़े के रिलेटेड, मेडिकल से शॉप मिल जाएगी, और ऐसे अलग अलग शॉप मिल जाएगी, एक शॉप मिल जाएगी, ओके। तो ये कंपटीशन मींस एक बिजनेसमैन के लिए कंपटीशन हाई लेवल का रहता ही है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर के लिए नहीं। एंटरप्रेन्योर लेवल कंपटीशन क्यों रहता है? बिकॉज वो खुद मार्केट में अलग बनकर आ रहा है ना, खुद मार्केट में अलग बनकर है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ इलॉन मस्क की, इलॉन मस्क रिसेंटली इंडिया में टेस्ला लेके आया। टेस्ला मींस एक ऐसी कार जो बिना फ्यूल बिना पेट्रोल के चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक कार है, बहुत ही मॉडिफिकेशन, बहुत ही सुपर कार हम बोल सकते हैं इसको, सुपर मॉडर्न कार बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब उसको कंपटीशन देने वाला कौन है इंडिया में? कोई है इलेक्ट्रॉनिक कार कोई बना रहा है, बहुत ही रेयर लोग बना रहे हैं, ऐसे कुछ छोटे मोटे इंजीनियर्स रहेंगे वो खुद एक कार बिल्ड कर रहे हैं, कार खुद मॉडिफाई कर रहे हैं, बट कंपनी किसके पास नहीं है। टेस्ला खुद एक कंपनी, खुद एक प्रोडक्शन करी बहुत लार्ज लेवल पर, और लोग खरीद रहे भी, करोड़ों की कार है वो, ठीक है, बट उसको कॉम्पिटिशन करने वाला कोई है नहीं है। तो क्या एक एंटरप्रेन्योर कंपटीशन कम रहता है कंपेरेटिवली जैसे बिजनेसमैन का, ठीक है। जब हम बात कर लेते हैं फोकस, ठीक है, हर बिजनेस में फोकस होता है, एम होता है, एम्स एंड कंडीशंस होती है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि प्रॉफिट कमाना, ठीक है। हम बिजनेसमैन की बात करें, बिजनेस में बिजनेस खोल रहा है किसके लिए खोला? प्रॉफिट, बिजनेस प्रॉफिट कमाने के। अब मैं थोड़ी देर पहले आपको बोलता कि मेरे दोस्त ने एक्सपर्ट बिजनेस खोली, उसको 2 साल में अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो मेरे मुंह में भी लालच आया कि चलो अब मेरे को भी प्रॉफिट कमाना है यार, अब बहुत मिडिल क्लास लाइफ होगी, अब मुझे भी हाई फाई बनना है, तो मेरे भी खोलने बिजनेस। क्यों खोला मैंने? प्रॉफिट देख के खोला, क्या प्रॉफिट बन रहा है, उसके पास प्रॉफिट दिखा रही है, प्रॉफिट क्या मस्त हो रहा है, मजा आ रहा है, चलो मैं भी खुद का बिजनेस, मैंने भी प्रॉफिट कमाया, ठीक है। बट एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं, एंटरप्रेन्योर फोकस करते उसको पब्लिक के ऊपर, उसको पैसा की जरूरत नहीं है, उसको पब्लिक चाहिए, पब्लिक आएगी तो पैसा आएगी, पैसा किसके पास है, पैसा पब्लिक के पास है। बिजनेसमैन पैसे को खींचता है, पब्लिक को कुछ मिले ना मिले उसको फर्क है, उसको पैसा मिले से मतलब, लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या सोचता है, उसको पब्लिक चाहिए। इसलिए जो टेस्ला था वो और अदर कंट्री के साथ साथ इंडिया में भी आया, क्योंकि इंडिया में पब्लिक है, गरीब नहीं है इंडिया, इंडिया खूब 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 बहुत रिच कंट्री है, यहाँ पर लोग खरीद लेंगे टेस्ला, लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है, यहाँ पे खुशी हो जाती है, कोई अच्छा काम हो जाता है तो लोग कार खरीद लेते हैं, तो टेस्ला खरीद लेंगे यार, मार्केट में नया है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बात चल रही है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर ये वाले बेसिस पे ये फोकस मिलता है, उसको दुनिया बदलने की सोचता है, वो पब्लिक को खींचता है, पब्लिक खींची पब्लिक ऑटोमेटिक उसका इन्वेस्ट करेगी, यस करेगी ही करेगी, ठीक है। तो ये होगा फोकस की बात। अब हम वे की बात करते हैं, वे मीन्स क्या, दिशा, रास्ता, रास्ता कौन से रास्ते पे आता है, एक बिजनेसमैन वो ही रास्ते पे आता है जहाँ पे सब लोग जाते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला आपको कि मेरा दोस्त एक्सपेक्टेड बिजनेस खोला, मैं उसके बिजनेस पे चला गया कि मुझे वो बिजनेस करना, प्रॉफिट कमाना है, मीन्स क्या मेरा वे क्या था एज अ बिजनेस, मेरा वे क्या था, उसके पीछे पीछे भागना, मीन्स क्या जो दूसरे लोग करते हैं वही बिजनेसमैन करता है, ठीक है। बट एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं, एंटरप्रेन्योर कुछ अलग ही करेगा, अलग ही मार्केट बनाएगा, अलग ही मार्केट कुछ करता रहेगा, अपना अपना काम, ठीक है। जैसे कि स्टीव जॉब्स, सब लोग एंड्रॉइड बनाते, सब लोग एंड्रॉइड कुछ भाग लेते, लेकिन एक अकेला बंदा एप्पल बना दिया, अकेला बंदा एप्पल बनाते। आज एप्पल का अलग मार्केट है, आज एंड्रॉइड का अलग मार्केट है, आज एप्पल वर्सेस एंड्रॉइड होता है। अच्छा, एप्पल के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है सब महंगे से महंगे, एक टू एक मीन बहुत प्रॉपर कंडीशन में, एंड्रॉइड कंपेरेटिवली एंड्रॉइड भी अच्छे महंगे, ठीक है, बहुत वाइड वैरायटी में काफी सारी कंपनियां एंड्रॉइड की तरफ जाती है, लेकिन अकेला एप्पल ने खुद मोनोपोली क्रिएट कर लिया, उसका खुद का मार्केट है एप्पल। हाँ, स्टीव जॉब्स नाम याद आता है, ठीक है। तो ये होता है फोकस, ये होता है वेज, रास्ता कौन सा पकड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आइडियाज की, तो आइडियाज कंप्लीट, देखो बिजनेसमैन कुछ भी नहीं है, बिजनेसमैन दूसरे का आइडिया छोड़ के खुद एक नया बिजनेस करता है, उसको बोलते हैं बिजनेसमैन। लेकिन एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं है, एंटरप्रेन्योर खुद का बिजनेस रहेगा, खुद का अगर ये धंधा रहेगा तो खुद एक नया आइडिया लेकर मार्केट में उतरेगा, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। जैसे कि रितेश अग्रवाल, देन स्टीव जॉब्स, ओके, देन इलॉन मस्क, ये लोग सब कौन है, एक अच्छे खासे बड़े बिजनेसमैन है, इन्होंने खुद एक मार्केट में नया आइडिया लेके आया, ठीक है। किस चीज का आइडिया, कि हाँ लोगों को कुछ हम अलग दे, हम मॉडर्नाइजेशन करें, लोगों को आगे बढ़े, ठीक है। तो ये यहाँ पर आइडियाज होती है, बिजनेसमैन वही आइडिया वापरते हैं जो दूसरे वापरते हैं, बट एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं होता, एंटरप्रेन्योर खुद के नए आइडिया वापरते हैं और बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको समझ गया कि कुछ भी नहीं समझ रिलेटेड या फिर कुछ भी और सबको और चीज मुझे कमेंट में पता चलिए, मैं इस पर और नेक्स्ट वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा, तो या फिर इसके अलावा कुछ आपको और जानने का कि बिजनेस से रिलेटेड ये टर्म क्या होता है, वो टर्म क्या होता है, मुझे कमेंट्स में करके बता दीजिए कि आपको और क्या टर्म जानने में, फटाफट उसको वीडियो बनाकर आपके सामने पब्लिश कर दूंगा। तो चैनल पर नया आएगा, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही टाइम अपडेट्स एंड ऐसे मजेदार वीडियो सेक्शन आपको मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।